से पता चला है कि 20 मिनट्स मेडिटेशन इज इक्वल टू 4 आवर्स स्लीप। यानी आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो तो कितना फ्रेश फील करते हो, उतना ही फ्रेश फील आप 20 मिनट्स की मेडिटेशन से करोगे। मेडिटेशन के ऊपर एक चाइनीज बुक भी लिखी है जिसका नाम है 5 मिनट्स मेडिटेशन इक्वल टू 1 आवर स्लीप। सो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि मेडिटेशन करना कितना जरूरी है। जिस तरह हमें बॉडी बनाने या फिर हेल्दी रहने के लिए डेली जिम जाना पड़ता है, उसी तरह हमें अपने माइंड को हेल्दी बनाने या फिर उसकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए डेली मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। बट मोस्टली लोगों को ना तो ये पता है और ना ही वो ये करते हैं, तभी वो दिन भर डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहते हैं और दिन के एंड तक आते आते वो कुछ नहीं कर पाते और अपने ही काम से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली 5 मिनट आज से मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। आप इसे पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो और एग्जाम टाइम में तो इसे ज़रूर करें, यह आपके स्ट्रेस को ओवरकम करने में बहुत हेल्प करेगा। टिप नंबर 2, विजुलाइजेशन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं बल्कि पिक्चर्स यानी इमेजेस में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ एप्पल, तो हमारे दिमाग में पहले से ही एप्पल की एक इमेज पड़ी हुई है और एप्पल वर्ड सुनते ही वो हमारे सामने आ जाती है। वैसे ही अगर मैं कहूँ क्रिकेट, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो भी हमारे दिमाग में क्रिकेट से रिलेटेड इमेजेस पड़ी हैं वो एक एक करके हमारे सामने आ जाती हैं। और अगर फुटबॉल, तो फुटबॉल की सारी इमेजेस हमारे सामने आ जाती हैं। और अब अगर मैं ये कहूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं पड़ी थी, तो आप कभी इस वर्ड को समझ नहीं सकते। हाँ, रट सकते हो, और रटी हुई चीज़ हम आज नहीं तो कल भूल ही जाते हैं। और ऐसा मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम टाइम पे होता है कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उस टाइम रट तो लेते हैं बट एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च में 1000 स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि विजुलाइजेशन की टेक्निक से उनकी मेमोरी पावर 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई एक नॉर्मल स्टूडेंट के कंपैरिजन में। सो प्लीज़ वर्ड्स को डायरेक्ट ना रटें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेज बनाकर अपने माइंड में रख लें। इससे आपका माइंड काफ़ी फास्ट काम करेगा। एंड टिप नंबर 3,